Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today this is the first lecture of chapter number 11. Or kya hai? Isme Winston Churchill writer hai. Ye pura naam hai Sir Winston Leonard Spencer Churchill. ये बरतानिया का वजीर आजम था. पर्टिकुलरली जो वर्ल्ड वॉर टू थी उसकी सक्सेस जो है वो इसी को जाती है. दो दफा वजीर आजम रहा बरतानिया का और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेटमैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं अजीम लीडरों में एक है, क्योंकि उस वक्त पूरे यूरोप की जो कमांड थी वो इंग्लैंड के हाथ में थी. उसके अलावा वो क्या होगा, बहुत बड़ा राइटर था, उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया 1953 में. इंग्लिश लैंग्वेज का मास्टर था और कंजर्वेटिव पार्टी का मेंबर रहा और ज्यादातर नॉन फिक्शन और फिक्शन, ज्यादातर नॉन फिक्शन और अलबत्त फिक्शन राइटिंग में, दोनों में उसकी क्या होगा शोहरत थी. हिस्टोरियन भी था और एक्सीलेंट राइटिंग स्पीकिंग स्किल रखता था. हैरो उस वक्त का एक मशहूर स्कूल था, ये बहुत पुराना स्कूल है, लेजेंडरी स्कूल है. ये 1572 में ये कायम किया गया जॉन लॉयन, और ये क्वीन एलिजबेथ, उस वक्त 16th सेंचुरी में क्वीन एलिजबेथ का दौर था और उस दौर के बादशाही ऑर्डर के मुताबिक इसको एस्टैब्लिश किया गया. इंग्लैंड का ये चौथा महंगा तरीन स्कूल है और इसकी बड़ी हिस्ट्री है, बड़े बड़े लोग इंटरनेशनल लीडर्स इससे पढ़े हुए हैं. चंद एक के नाम में याद नाम दिए गए हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, नेहरू भी वहां से पढ़ा हुआ था, और क्या होगा बाल्डविन, चर्चिल, पाल्मर्स्ट, पील, ये सारे वहीं के प्राइम मिनिस्टर उससे स्टूडेंट हैं, और बहुत सारे फॉरेन सर्विसेज हैं. उसके बाद जो है इस वक्त वहाँ पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं और बहुत तीन नोबेल प्राइज विनर हैं. इस तरह से मुख्तलिफ ये क्रॉस हैं, विक्टोरियन, विक्टोरिया क्रॉस और जॉर्ज क्रॉस होल्डर्स हैं, और बड़े साइंटिस्ट वहाँ से क्या होगा पड़े हुए. चूंकि ये ऑटोबायोग्राफिकल है, वो अपनी कहानी सुनाते हुए वहां पे वो बयान करता है. असल में जिस दौर की जो इसका चर्चिल का दौर था, उस दौर में लैटिन को डोमिनेंस हासिल थी. जस्ट कंसीडर के जिस तरह से आज इंग्लिश सुपीरियर समझी जाती है, हालांकि कोई लैंग्वेज भी सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होती, क्योंकि लैंग्वेज लैंग्वेज है, उसका सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी के साथ तुलक नहीं होता. इनफैक्ट ये होता है कि उस लैंग्वेज के स्पीकर जो है जिस तरह का सोशल बैकग्राउंड रखते हैं वो उसकी एस्टीम में इजाफा कर देते हैं. जैसा कि इस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज है ट्रेड की, कॉमर्स की, टेक्नोलॉजी की, मीडिया की, तो इसलिए वो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई, इंटरनेशनल बन गई, लिंगुआ फ्रैंका बन गई, ऐसी लैंग्वेज जिसके बगैर दुनिया कम्युनिकेट नहीं कर सकती. तो इस वजह से उसके साथ पॉलिटिकल पार एसोसिएट हो जाती है. ये जो सिचुएशन आज इंग्लिश की है दुनिया में, यही सिचुएशन उस वक्त लैटिन की थी. अब जानते हैं ग्रीक, ग्रीक्स की लैंग्वेज थी यानी यूनानियों की, और लैटिन रोमन की लैंग्वेज थी. रोमन ने चूंकि दुनिया पे हुकूमत की, अलेक्जेंडर द ग्रेट, हैनिबॉल, सारे के सारे, सीजर जिसको कैसर रोम कहा जाता था, ये उस वक्त की स्टीम लैंग्वेज थी और दुनिया की सोर्स लैंग्वेज में से एक है, यानी कि जिसको मदर लैंग्वेजेस कहते हैं. इससे बहुत सारी जुबानें बनी, इवॉल्व हुई उससे. तो इस मुनासबत से लैटिन को, चूंकि रिच लिटरेचर था ग्रीक और लैटिन में, ये इसको हम क्लासिक्स भी कहते हैं या क्लासिकल लैंग्वेजेस भी कहते हैं,
उन्हीं को वो एज एकेडमिक लैंग्वेज पढ़ाया जाता था, जिस तरह से आज इंग्लिश को एज एकेडमिक जो ना वो लैंग्वेज पढ़ाया जाता है किसी दौर में, ये लैटिन के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चर्चिल को जब वो हैरो में दाखला लेने गया, जैसे मैंने पहले बताया कि बड़ा स्टीम स्कूल है ये, 16th सेंचुरी में स्टैब्लिश हुआ, तो उसका टेस्ट लिया गया लैटिन और मैथमेटिक्स में, दोनों सब्जेक्ट नहीं आते थे। वो चाहता था मेरा हो टेस्ट हो हिस्ट्री में, पोइट्री में, ऐसे राइटिंग में, लेकिन वो वैसा नहीं हुआ। जाहिर है एग्जामिनर ने अपने हिसाब से पूछना था, उस वक्त एकेडमिक राइटिंग वो इंग्लिश थी, लेकिन जो उस वक्त जो सोशल जो लैंग्वेज थी वो एकेडमिक लैटिन पढ़ते थे लोग या ग्रीक, और जबकि जो सोशल लाइफ में बोलते थे वो इंग्लिश थी। अब क्या हुआ कि जो अच्छे बच्चे थे, जो जिन्होंने टेस्ट वहां पे लिया गया, उसका एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका, जो अच्छे बच्चे थे उनका लेटर में दाखला हो गया। अब क्या हुआ कि जब उसके पास पेपर आया, लेटर का पेपर आया एडमिशन के लिए, तो उसने देखने लगा, क्वेश्चन कोई भी नहीं आता था उसे, उसने कुछ भी नहीं लिखा गया, एक भी आंसर उसको नहीं आता था, और पर्टिकुलरली जो सवाल पूछे थे वो बिल्कुल भी नहीं आते थे उसे। वो चर्चिल अपने कहानी खुद बना बयान करा, ऑटोबायोग्राफिकल है। फिर क्या हुआ, खाली पेपर हेडमास्टर साहब के पास चला गया। हेडमास्टर जो है ना वेल्डन था उसका नाम था, उस वक्त का हेडमास्टर, उसने उसका पेपर देखा और उसको दाखला दे दिया। असल में हुआ ये कि उसने देखा कि बच्चे के अंदर और एबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसको लेटर और मैथमेटिक्स नहीं आता, इसलिए इसके बाद उसने दाखला दे दी, उसने लीनियंट व्यू लिया, और जो नालायक आदमी थे उनको अंग्रेजी पढ़ाई गई। दरअसल क्या होगा, वो 3 साल तक एक ही लेवल में रहा, यानी एक ही क्लास में रहा। 3 साल में उसने इंग्लिश सीखी, इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी ग्रामर, उसका सेंटेंस, और 3 साल एक जगह पर रहने में उसमें वो अपने इस दौर में वो अपने टीचर सोमरवेल का बड़ा ओबलाइज्ड है, उसको भी याद करता है कि किस तरह से उसका टीचिंग मेथड बड़ा जबरदस्त था। मुख्तलिफ किस्म के कलर की मार्कर इस्तेमाल करता था, मार्कर आप कह लें या चाक कह लें उस वक्त होते थे। फिर उनको हर सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से उसका कलर डिफरेंट होता था, और फिर उनकी ड्रिल करवाता, उसकी एक्सरसाइज करवाता था, तो वो उसका कंट्रीब्यूशन बहुत मानता है। फिर उसने लर्निंग इंग्लिश जो है सही तरह से ब्रिटिश सेंटेंस या इंग्लिश सीख ली, और इसका बड़ा फायदा हुआ क्योंकि उसके बाद वो राइटर भी बना, उसके बाद वो हिस्टोरियन भी बना जिसपे उसको नोबेल प्राइज दिया गया, उसके बाद वो लिटरेरी फिगर भी बना, उसके बाद उसने तकारीर की, और उसकी तकारीर पे एक अलहदा से मजमुआ छपा हुआ है, उसकी तकारीर पे बड़ी जो ना वो क्लासिकल और लिटरेरी तकारीर होती थी उसकी, जाहिर वो खुद राइटर था, और वो परसुएसिव लैंग्वेज जिसके साथ लोगों को कन्विंस करता था, वो जाहिर है वो किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, वो इसी अपने लिटरेरी बैकग्राउंड की वजह से। तो इस तरह से वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है इसमें, इस चैप्टर में। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। आई हैड स्कार्सली पास माई 12th बर्थडे, अभी वो मुश्किल ही मैंने अपनी 12वीं सालगिरह गुजारी थी या गुजरी थी मेरी। स्कार्सली, हार्डली, बेरली, ये हमने वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब जो है हम हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करते हैं, और ये स्कार्सली, बेरली, हार्डली की पोजीशन हमेशा वर्ब से पहले होती है। व्हेन आई एंटर द इनहॉस्पिटेबल रीजन ऑफ एग्जामिनेशन, जब मुझे इम्तहान के क्या होगा, नापसंदीदा, अनप्लेजेंट, इनहॉस्पिटेबल रीजन से मुराद क्या होगा, स्टेज या प्रोसेस में से गुजरना पड़ा, क्योंकि एग्जामिनर को जाहिर है ना, एग्जामिनेशन को नापसंद करता। थ्रू विच फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स, जिसमें से अगले 7 साल तक
आई वॉज डेस्टिन टू जर्नी, जिसमें मुझे सफर करना था। डेस्टिन के साथ हम क्या था, किस्मत में लिख देना, फेटेड, किस्मत में लिख देना, ऑर्डेंड, प्री डेस्टिन। डेस्टिन के साथ हम यूज करेंगे टू का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। दिस एग्जामिनेशन वर अ ग्रेट ट्रायल टू मी, ये मेरे लिए बहुत आजमाइश का बायस थे। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन भी आ गया। पहला क्वेश्चन क्या है कि वो क्या रवैया था, व्हाट वाज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स, क्या होगा एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन की तरफ उसका क्या रवैया था। वो क्या करता था जी, पसंद करता था, ना पसंद करता था एग्जामिनेशन को? ना पसंद करता था। और उनको क्या समझता था, इनहॉस्पिटेबल रीजन, यानी क्या होगा, डिस्टेस्टफुल समझता था एग्जामिनेशंस को। और उनको क्या समझता था, ग्रेट ट्रायल टू मी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी आजमाइश है, टेस्ट है, ट्रायल से मुराद टेस्ट होगा जी। हु विल आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट वाज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स एग्जामिनेशन जी? Anyone? कोई नहीं है। क्या होगा, आप डिसलाइक कर रहा है या लाइक कर रहा है एग्जामिनर? तो बनाए सेंटेंस क्या बनेगा? उसके बाद क्या होगा, वो क्या समझता था उसे, इनहॉस्पिटेबल रीजन, और दूसरा क्या समझता था, ग्रेट ट्रायल। शाबाश। अब अगला वर्ब क्या आ गया आपके पास, समझना। चलो जी बनाए सेंटेंस। He considered them in hospital region and a great trial. ठीक है, और बहुत बड़ी आजमाइश उसको समझता था जी। उसके बाद है next, the subjects which were dearest to examiner, वो मजामीन जो examiner को या मुमतहिन को अच्छे लगते थे, well almost invariably those, वो हमेशा से वो थे, invariably mean always, बिन दोस्त, आई फैंसी लीस्ट, जिसको मैं बहुत कम पसंद करता था। लीस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, लीस्ट के दोनों फंक्शन होते हैं, लीस्ट एज अ एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं हम। मसलन क्या होगा, दिस इज द लीस्ट, क्या होगा डेंजरस, आप कह ले ऑब्जेक्ट अमंग स्टार, यानी के सभी में से सबसे कम डेंजरस ये ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करें तो लिटल लेस लीस्ट जो है वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव को इंडिकेट करता है, लीस्ट को। और क्या होगा, लीस्ट हम एज अ एडवर्ब भी इस्तेमाल करते, मसलन कैसे, क्या होगा, ही जैसे ही स्टडीड क्या होगा लीस्ट, या ही स्टडीज लीस्ट। अब यहां पे क्या होगा, लीस्ट से मुराद क्या कर रहा है, वो लीस्ट से यहाँ पे एडवर्ब का फंक्शन भी क्या कर रहा है या प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे है, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे भी इस्तेमाल होगा, यानी नाउन का, प्रोनाउन का फंक्शन भी प्ले कर रहा है, और इसके अलावा वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो याद रखना है कि जब हमने इसको एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करना हो, जब यह किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा कर किसी एडजेक्टिव की डिग्री बता रहा है, तो फिर हम इसके साथ दा लगाएंगे। लेकिन जब इसके फंक्शन जो है वो और है, यानी प्रोनाउन है या एडवर्ब है,
तो वो क्या यूज करेंगे, वहां पे हम उसके साथ दा नहीं लगाएंगे। याद रखिएगा लीस्ट जब एडजेक्टिव के तौर पे आ जाए तब ही इस्तेमाल करेंगे इसको, क्या होगा तभी हम इसके साथ द इस्तेमाल करेंगे, तभी एडजेक्टिव होगा तो सुपरलेटिव उसका बनेगा। तो ये ज़हन में रखना। दूसरी बात ये है कि डेरेस के साथ क्या लगाना है, टू का इस्तेमाल करना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन से सब्जेक्ट से जो राइटर लाइक करते एग्जामिनर को लाइक थे या एग्जामिनर को पसंद थे, व्हाट सब्जेक्ट्स subjects did the examiners like। और इस तरह से एक सवाल आ सकता है, और दूसरा सवाल है कि in which subjects कौन से मजामीन में did the writer क्या होगा like to be examined, वो कौन से मजामीन में वो इम्तहान देना चाहता था। तो ये हमारा दो सवाल तकरीबन एक जैसे हैं, हम अगली लाइन पढ़ के फिर उसका दोनों का क्वेश्चन करते हैं। एग्जामिनर पर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज आई फैंसी लीज, जिसको मैं बहुत कम इमेजिन करता था, फैंसी का मतलब होता है इमेजिन करना, कैसे आई वुड लाइक टू बी, जब आप ओपिनियन या आप ओपिनियन देते हैं या डिजायर या इंक्लिनेशन शो करते हैं तो हम वुड हैव या वुड लाइक, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपने कहना हो कि मैं क्या होगा हवा में उड़ना चाहूंगा या चाहता हूं, तो आप कहेंगे आई वुड लाइक टू फ्लाई इन द एयर। तो यहाँ पे वुड लाइक या वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ये इंक्लिनेशन या एप्टीट्यूड को शो करता है, आपके रुझान को शो करता है। मेरा इरादा था, मैं ये चाहता था कि मेरा इम्तहान हो टू हैव बीन एग्जामिन्ड इन हिस्ट्री पोइट्री और राइटिंग, ऐसे ये तीन मजामीन में कहता मैं अपना इम्तहान देना चाहता था। द एग्जामिनर्स वर पार्शियल टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स, एग्जामिनर जो है वो क्या पसंद करते थे, लैटिन और मैथमेटिक्स को, एंड देयर विल प्रिवेल, और जाहिर है फिर उनकी मर्जी चलती थी, विल से मुराद मर्जी, प्रिवेल का मतलब डोमिनेट कर जाना, उनको पसंद थी लेटर और मैथमेटिक्स, उनकी मर्जी चलती थी। मोर ओवर द क्वेश्चन विच दे आस्क, जो उन्होंने सवाल पूछे हुए थे ऑन बोथ दी सब्जेक्ट्स इन मजामीन पे ओवर ऑलमोस्ट वेन एवर बी दोस, वो सवालात थे जो हमेशा से आई वाज अनेबल टू सजेस्ट अ सेटिस्फैक्टरी आंसर, जिनको मुनासिब किस्म का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाता था। सजेस्ट का मतलब क्या होगा, देना, प्रपोज करना, रिकमेंड करना। I should have liked to be asked to say what I know. कहता मैं चाहता था कि मुझे वो पूछा जाए what I knew, जो मुझे आता है। ये क्या होगा, to say what I knew, जो मुझे आता था, मैं चाहता था कि वो मुझे पूछा जाए। I should have liked, क्या होगा, मैं मुझे पसंद था, या should have के साथ हम third form should के साथ have और third form लगा देते ये past tense बन जाता है। जी बच्चों अगला सवाल है हमारा, एग्जामिनर को कौन से सब्जेक्ट पसंद थे और कौन से सब्जेक्ट राइटर को पसंद थे। जी कौन करेगा जी? लैटिन एंड मैथमेटिक्स। सेंटेंस बनाना एग्जामिनर को विदाउट एनी हिंट। अब जो ना आपने फ्रीली जो ना वो क्वेश्चंस करने हैं, अब पहली स्टेज आपकी ओवर हो गई है जिसमें आपने हिंट से बनाते हैं, वो हिंट वाले बाद में आएंगे, उससे वो एक्सरसाइज का हिस्सा है लेकिन लेक्चर का हिस्सा है, बट आपने कोशिश करनी है बगैर किसी हिंट के सेंटेंस बनाने की। जी बच्चों, एग्जामिनर को क्या सब्जेक्ट पसंद थे, यहां से सेंटेंस बनाएं। द एग्जामिनर लाइक्ड लैटिन एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब ऑन द अदर हैंड द राइटर जी कमान कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? The writer liked history, poetry and writing essays. जी, as in the या in which he wanted to be tested या जिसमें वो इम्तहान देना चाहता था।
और फिर जाहिर है फिर इसी वजह से वो क्या कर सका, वो इम्तिहान में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता था नहीं कर सका। जी क्या बनेगा सर? He did not perform well in the examination. Did not होगा या could not होगा? Could not. He couldn't perform well in the examination. उसमें वो अच्छी तरह से perform नहीं कर सका। Let's see जी बच्चों। जी सही कीजिएगा sentence. Partial two हो गया। Partial के साथ two का preposition इस्तेमाल करते हैं। किसी की तरफ रुझान होना। Destined to हो गया। He had barely reached. Barely को हम verb से पहले इस्तेमाल करना है, शाबाश। Dearest two people होगा जिसको अजीज होना है। I talked least क्योंकि यहाँ पे किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वो टॉक के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो उस वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो वो एडवर्ब होना चाहिए उसके साथ। एडवर्ब के साथ डेफिनेटली दा नहीं लगता। दा कब लगता है उसके साथ? जब वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जी उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क व्हाट आई डिडंट नो। वो हमेशा वो जानने की कोशिश करते या पूछने की कोशिश करते जो उन्हें क्या होगा जो मुझे नहीं आता था। व्हाट आई डिडंट नो, आस्क जो है ना वर्ब है, और व्हाट आई डिडंट नो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। व्हेन आई वुड हैव विलिंगली डिस्प्लेड माय नॉलेज, जब मैं फिर आप इरादतन ये विलिंगली डेलिबरेटली कोशिश करता अपना नॉलेज जानने की, डिस्प्ले करने की, शो करने की। दिस सॉट टू एक्सपोज माय इग्नोरेंस, फिर वो कोशिश करते, सी की सेकेंड फॉर्म सॉर्ट होती है, यानी कोशिश करना, तलाश करना, सर्च करना। वो तलाश करते थे टू एक्सपोज माई इग्नोरेंस, मेरी अहमकाना या मेरी बेवकूफी को क्या होगा ओपन करने के लिए। एक्सपोज का मतलब अनवेल, क्लियर, एक्सपोज क्या होगा डिस्क्लोज। अब यहाँ पे आई वुड हैव के साथ क्या होगा थर्ड फॉर्म और लगी हुई है, दूसरी क्लॉज में दे सॉर्ट होगा, सॉर्ट लिखा हुआ है। बताइएगा क्या ये कोऑर्डिनेशन है इसमें, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो तो आपकी क्या होगा मेन क्लॉज में क्या होगा? परफेक्ट होना चाहिए था, हैड सॉर्ट, दे हैड सॉर्ट होगा, फिर हमने क्या होगा दे हैड सॉर्ट का इस्तेमाल करेंगे। This sort of treatment had only one result. इस तरह का क्या होगा ट्रीटमेंट का एक ही नतीजा निकलता। I didn't do well in the examination. मैं इम्तिहान में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। This was especially true of my entrance. ये हमेशा वो सही बात होती खासतौर पे मेरे क्या होगा दाखला टेस्ट के लिए। यही बात ऐसे ही हुई, especially जब हमने क्या होगा जब फ्रेज के तौर पे या फ्रेज के साथ इस्तेमाल करते हैं तो स्पेशली होगा, जब वर्ब ऑब्जेक्टिव के साथ लगाया दे तो स्पेशली होगा। वैसे दोनों का फंक्शन एक ही है, यहाँ पे दोनों एम्फेसिस देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली भी और स्पेशली भी। माय एग्जामिनेशन टू हैरो, द हेडमास्टर मिस्टर वेल्डन, ये हेडमास्टर को एक्सप्लेन किया है क्या होगा, वेल्डन उसका नाम है। Took a broad-minded view, बड़ा ही liberal view लिया, बड़ा ही open-minded view लिया मेरे Latin prose का, जो मेरा paper था। He showed discernment, उसने तवज्जो दिखाई, discernment, attention, क्या होगा उसके बाद, इससे मुराद क्या होगा discernment से मुराद क्या होता है, wisdom, awareness भी होता है। उसने बड़ी समझ बूझ दिखाई in judging by general ability, कौन सी ability को check किया उसने, उसकी general ability को check किया। तो अब पहला सवाल है हमारा कि क्या होगा, who was the headmaster of Harrow at the time of Churchill's admission, headmaster क्या होगा कौन था। दूसरा है कि why did he give admission to him in spite of poor performance, उसकी खराब कारकर्दगी के बावजूद क्या हुआ उसको दाखला क्यों दे दिया गया। जी पहला सवाल जी, हेडमास्टर कौन था,
मिस्टर वेल्डन जी पूरा सेंटेंस बनाना मिस्टर वेल्डन वाज द हेडमास्टर ऑफ हेरो जी मिस्टर वेल्डन वाज द हेडमास्टर ऑफ हेरो अगर हम पर्सनली व्यू देखें तो इसका मतलब वो किस तरह का आदमी था जाहिर है जब हम पर्सनालिटी का क्वेश्चन करते हैं तो एक सेंटेंस काफी नहीं होगा उसके साथ हमने एड अप करना है तो हम मजीद क्या कह सकते हैं मिस्टर वेल्डन के बारे में He was a very क्या होगा knowledgeable and क्या होगा आप कह ले versatile क्या होगा versatile आप कह ले personality और उसके बाद दूसरा हिस्सा है इसका कि उसने poor examination के poor performance के बावजूद उसको दाखला क्यों दे दिया गया जी He gave admission due to his general abilities जी he gave him he judged his general ability उसने क्या किया उसकी general ability को जज किया और उसका कैसा व्यू लिया उसके लैटिन प्रोज का कौन सा व्यू ब्रॉड माइंडेड जी या लीनियंट व्यू लिया तो क्या बनेगा सेंटेंस एंड टू ब्रॉड माइंडेड व्यू ही टुक अ ब्रॉड माइंडेड व्यू ऑफ हिज लैटिन प्रोज जिसमें उसने क्या किया था इन विच ही हैडंट सॉल्वड एनी क्वेश्चन या ही हैड ही हैडंट आंसर्ड एनी क्वेश्चन जिसमें वो आंसर उसने बिल्कुल भी नहीं किया था दिस वाज द मोर रिमार्केबल ये सबसे ज्यादा क्या होगा एक्सीलेंट चीज थी आउटस्टैंडिंग चीज थी बिकॉज आई वाज फाउंड अनेबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन इन द लैटिन पेपर एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सका I wrote my name and the, अब ये किस तरह से पेपर करता है दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस तरह से वो पेपर करता है कहता पहले आपने मैंने अपना नाम लिखा क्वेश्चन नंबर वन लिखा टॉप पे पहले अपना नाम लिखा पेपर पे फिर राइट डाउन द नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन और आफ्टर मच रिफ्लेक्शन बड़ा सोच विचार करके मैंने उसके गिर्द क्या लगा दिए ब्रैकेट लगा दी इस तरह से ब्रैकेट लगा के बताए हुए And but thereafter I couldn't think of किसी चीज के बारे में सोचना think about या think of anything connected with it किसी भी चीज के साथ उसका क्या होगा तुलक ना समझ सका अगर physically दो तरह के preposition इस्तेमाल करते हैं हम connected के साथ अगर physically चीज हो physically attached हो तो connected with होता है connected to होता है और अगर रिलेशनशिप हो तो क्या होगा कनेक्टेड विद होता है अगर फिजिकली रिलेशनशिप हो फिजिकली कनेक्टेड हो तो फिर क्या होगा वो इसको हम कहें कनेक्टेड टू और अगर रिलेशनशिप में कनेक्टेड है तो फिर हम उसको कनेक्टेड विद कहेंगे तो ये दो प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं थिंग के साथ मैंने बताया ऑफ या अबाउट का इस्तेमाल करेंगे हमारा अगला सवाल आ गया कि उसने किस तरह से हाउ डिड ही अटेम्प्ट हिज लैटिन पेपर लैटिन प्रोज का पेपर जो है वो उसने कैसे सॉल्व किया जी कौन बताएगा जी He wrote his name at the top of the page. Carry on. He wrote the number of the question. After much reflection, he put a bracket around it. जी सिंपल सा है सेकंड फॉर्म लगानी सभी में क्या होगा ही क्या किया ही रोट हिज नेम ऑन द टॉप ऑफ द पेपर देन ही रोट क्वेश्चन नंबर वन एज और उसके बाद क्या होगा ही आगे कुछ एक दो सेंटेंस और आएंगे ही कुडंट आंसर अ सिंगल क्वेश्चन और ही पुट सम स्मजेस एंड क्या होगा कुछ उसने वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं पूंजे लगा दिए यानी कि वो स्याही के दब्बे बना दिए लेट्स सी जी उसके बाद हम आते हैं सेंटेंसेस की तरफ जो आपने ठीक करना है जी बच्चों कनेक्टेड टू हो गया कनेक्टेड टू जी अब यहाँ पे क्या होगा कनेक्टेड टू और कनेक्टेड क्या होगा ये क्या होगा कनेक्टेड विद या कनेक्टेड टू कनेक्टेड विद ये विद
वेद होगा, ठीक है, यहाँ पे वेद सही है। और ऊपर वाले में क्या होगा, कनेक्टेड टू, क्योंकि पिलर के साथ फिजिकल जो है वो अटैचमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जी, What he has planned. Noun clause में हमने subject पहले लगाना होता है और verb, helping verb बाद में इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद question mark इस्तेमाल नहीं करते। अब ये noun के साथ इस्तेमाल हो रहा है poor, तो क्या use करना है, especially poor, ठीक है, फिर हम especially इस्तेमाल करना है। जब phrase की सूरत में इस्तेमाल करेंगे इसको, तो उसके साथ हमने स्पेशली इस्तेमाल करते हैं जी। ये तो था जी टेक्स्ट, उसके बाद हम इसके तमाम स्ट्रक्चर्स पे गौर करते हैं। लेट्स सी जी, चर्चिल कौन था जी, हु विल डू इट, चर्चिल Churchill was the British statesman, army officer and writer. He remained prime minister for two terms, 1942-1945 and 1951-1955. He led the Conservative Party and won the World War II. जी कौन कौन सी मिस्टेक हुई है जी, कौन बताएगा? Come on. He had been the prime minister, right? Had been आ जाएगा, जहां पे जब टाइम आ जाए तो वहां पे परफेक्ट टेंस लगाएंगे। He had been the prime minister, और बाकी ठीक है, led है, won है, और आ British क्या होगा, statement हो जाएगा। अब जरा sentences को देखना है जी, यहाँ पे hardly को कहाँ पे use करना है जी बच्चों। Can hardly listen. Hardly listen. Barely escaped. Barely escaped. जी ठीक है। He has hardly shown up for the class. सही है। उसके बाद नेक्स्ट वाला, hardly trying. क्या होगा, डोंट बी लेजी, यू आर हार्डली ट्राइंग, हार्डली जो है ना वो ट्राइंग से पहले आ जाएगा। शाबाश। नेक्स्ट वाला, polite. क्या होगा, और वी हार्डली स्लेप्ट लास्ट नाइट। और उसके बाद हम कोरिलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं, हार्डली हैड के साथ जब हम पेयर बनाते हैं, हार्डली स्कार्सली बेयरली, तीनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपने हम कई दफा पढ़ चुके हैं, आपने सेंटेंस ठीक करना है अगर गलत है तो। जी बताइएगा। सेंटेंस सही है दोनों के, नहीं है, हार्डली हैड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, और व्हेन और या बिफोर और सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद, ये दोनों सेंटेंस सही हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपने देखना है जहां पे इसका मकसद जो है ना कोरिलेटिव कोऑर्डिनेट कनेक्शन में इस्तेमाल करना है। इस तरह से बेयरली के साथ भी सेम होगा। उसके बाद हम यूज करते हैं इसको, लीस्ट को हम तीन फंक्शन में क्या होगा, आई थिंक यू आर द लीस्ट सूटेबल कैंडिडेट। अब यहाँ पे लीस्ट सुटेबल कैंडिडेट, यहाँ पे क्या होगा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद लीस्ट एफिशिएंटली, ये वर्ब के साथ इस्तेमाल हो रहा है, क्या होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद जहाँ पे लीस्ट एफिशिएंटली यूज्ड है, वर्ब के साथ इस्तेमाल हो रहा है। अब लीस्ट एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे वर्ब के साथ इस्तेमाल हो रहा है। और क्या होगा, द लीस्ट जो है ना, यहाँ पे नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से पीपल विल चूज द प्रोडक्ट दैट कॉस्ट लीस्ट, यहाँ पे कॉस्ट के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, अर्न द लीस्ट, यहाँ पे मनी की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे एज अ प्रोनाउन है। और लीस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, तो ये प्रोनाउन है।
तो इस तरह से ये मुख्तलिफ क्या होगा फंक्शन में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि जहां पे हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे वहां पे हम क्या यूज करना है, एज एडजेक्टिव होगा तो द लगाना है क्योंकि सुपरलेटिव एडजेक्टिव को शो कर रहा है, और जहां पे इसके साथ हम क्या है, जहां पे इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे इसका इस्तेमाल करेंगे जहां पे जो प्रोनाउन या एडवर्ब के तौर पे वहां पे इसके साथ दा नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है जी हमारा एग्जामिनेशन को वो इनहॉस्पिटेबल रीजंस क्यों कहता है, ये जनरल व्यू क्या था एग्जामिनेशन के बारे में, ये क्यों वो डिसलाइक करता है एग्जामिनेशन को। जी कौन करेगा जी? Director generally disliked the examinations. He considered them a trial. He was least interested in the subjects like examiners asked. He was liked to be examined. He liked to be examined in poetry, history. He generally disliked, considered. He was least interested and he liked to be examined. अब verb देखने हैं कौन-कौन से verb specific हैं, preposition कौन से हैं specific? Waiting for, apologize for. Applied for, जिसको करना applied to और जिस मकसद के लिए करना applied for, ask for, किसी के demand करना, caring for, और उसके बाद क्या है prepare for, protect from और recovered from, ये preposition जो है वो आपने देखने हैं। उसके बाद saved from, suffer from, believe in, specialize in, succeed in, approve of, die of, smell of, based on, concentrate on, rely on, agree on किसी चीज पर, introduce to, refer to, respond to, और उसके बाद agree person के साथ with और provide with, ये different prepositions हैं जो verb specific prepositions हैं। कौन से subjects से जिसमें वो interested था या कौन से subjects से जो क्या होगा जिसमें वो टेस्ट लेना चाहता था। जी who will do it? Churchill liked history, poetry and essay writing because he had literary taste. He was just interested in disinterested, ये disinterested adjective है, had literary taste noun है तो had आ जाएगा और like verb है तो second form आ जाएगी। well done कौन था और उसने क्या होगा? Weldon was headmaster of Harrow. He took admission into Harrow. When he broadminded. उसने नहीं लिया, when Churchill took. When Churchill took admission into Harrow, Weldon was broadminded and insightful. Insightful. He judged and give admission to the writer. किसको किया जज उसने? He judged the general abilities of the writer. जी परफॉर्म क्यों नहीं कर सका जी? नेक्स्ट क्वेश्चन कम ऑन, हु विल डू अदर देन हु हैव रिस्पोंडेड? जी बच्चों जी, anyone else? Fizaa Shafaq? He couldn't perform well in the entrance test because he was examined in Latin and mathematics. ठीक है. He couldn't answer a single question of Latin prose. Because he liked history, poetry, and essay writing. और उसके बाद है क्या होगा जी? क्यों उसको admission दिया गया in spite of poor performance? जी. The headmaster gave him admission in spite of poor performance because he took a broad-minded view of his Latin prose and judged his general ability. जी शाबाश, gave him, took और judged करने वाला मौजूद है तो active voice sentence होगा।
अगला है कि अटेम्प्ट कैसे किया उसने, आप उसके ने अपने लैटिन प्रोज को कैसे अटेम्प्ट किया। जी, who will do? He attempted his Latin paper badly. He wrote his name on the top of the paper. He wrote question number one, then he put a bracket around it after much reflection. He answered only a single question. He couldn't लगाना है क्योंकि वो दे ही नहीं सका। Did not का मतलब है दिया नहीं, जानबूझ के नहीं दिया, और couldn't का मतलब वो दे ही नहीं सका। He couldn't answer a single question. Attempted, wrote, put same और answered हो जाएगा। Couldn't answer। उसके बाद है यहाँ पे coordination देखनी है जी, यहाँ पे इनमें क्या coordination है। शाबाश। Both के साथ coordinate कौन करेगा? बोथ के साथ क्या लगता है? एंड एंड जी, उसके बाद एंड टेलीविजन, एंड टेलीविजन होगा जी। आइदर मंडे और क्या होगा, आई एम फाइन, आइदर मंडे और आर वेनेसडे। अब ऑन नहीं लगाएंगे क्योंकि आइदर के बाद डायरेक्टली डे है, विद दोनों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। क्योंकि विद आइदर के साथ लगा है तो इसका मतलब ये मंडे के साथ भी है और वेनेसडे के साथ भी है। जी, नेक्स्ट वाला सम पीयर्स, एंड सम पीयर्स होगा। आई या सम को उठा के पहले ले आए, हैव सम आइदर एप्पल्स आर पीयर्स, या आइदर सम एप्पल्स आर सम पीयर्स। जी, neither or nor, तो neither nor किसको coordinate करेगा? Drinking और gambling को। Gambling। Next वाला। Neither I nor you। क्या होगा? Neither you nor I। क्या होगा? I के साथ क्या लगता है बच्चों? Neither you nor I shall get out. जी। Not only red but also green. Not only red but also के बाद भी same structure होगा। क्या होगा? Red है यहाँ पे और यहाँ पे green के साथ off नहीं लगेगा, वो same structure होगा। जी, next वाला। But also math, क्योंकि इन दोनों को कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो नॉट ओनली से पहले है और बट आल्सो के बाद भी क्या होगा, सिर्फ सब्जेक्ट ही आएगा। जी, उसके बाद है जी, नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, अदब और जिंदगी एक दूसरे से गहरा तुल्लक रखते हैं। अब यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आपने खुद करना है। वर्ब क्या है? तुल्लक रखना। किसके बारे में बात हो रही है? अदब और जिंदगी के सिर तुल्लक रखते हैं एक दूसरे के साथ, वहां पे ईच अदर आ जाएगा। मिलकर तश्कील देते हैं, तश्कील देना वर्ब हो गया। कौन देते हैं? ये दोनों सब्जेक्ट हो गया। और किसको तश्कील देते हैं? मुआशरे को। ये आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, कम अज कम माइक ऑफ कर ले करें, ये स्टूपिड हरकत ना किया करें। उसके बाद है तश्कील देते हैं, वर्ब कौन दे रहा है? ये दोनों किसको? मुआशरे की तश्कील देते हैं। मुआशरा अदब के लिए खाम माल देता है, यानी प्रोवाइड करता है। देना वर्ब हो गया, कौन? मुआशरा देता है। किसको देता है? खाम माल को देता है। और आगे उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया अदब के लिए। उसको नई सिमत में डालता है, डालना वर्ब हो गया। कौन? वो, किसे? उसको। ये ऑब्जेक्ट हो गया, नई सिमत जो है ना उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तब्दीलियां मुनाकस होती हैं, मुनाकस होना कौन कर रहा है नहीं पता। क्या होगा? क्या होगा? ये ऐसे भी कर सकते हैं, कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है? वो अदब कर रहा है तो अदब सब्जेक्ट हो जाएगा। किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? तब्दीलियों को। और तब्दीलियों के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? मुआशरे में होने वाली, ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं या पैसिव वॉइस में भी बना सकते, दोनों तरह से बना सकते हैं। मुस्बत असर अंदाज होता है, वर्ब है। कौन असर अंदाज हो रहा है? अदब हो रहा है।
किस पर हो रहा है? मुआशरे पे हो रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होगा। और बेहतरी की तरफ ले जाता है, ले जाना वर्ब हो गया, कौन वही पीछे जो बात हो रही है, किसे इसे और किस की तरफ, बेहतरी ये फ्रेज हो जाएगी एज अ कॉम्प्लीमेंट। ये तो था आपका जी आज का लेसन, कुछ सवाल हो तो पूछ लें। बाकी आपने इसकी ट्रांसलेशन करके शेयर करनी ग्रुप में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जी बच्चों, इज देयर एनी क्वेश्चन? जो हमने बीबी कोऑर्डिनेशन देखी है उसमें नेदर यू नॉर आया है, तो हम लोग वहां पे नेगेटिव है, तो हम लोग उसको 1-3-2 के लिए ऐसे नहीं उसको सीक्वेंस करेंगे। जब नेदर नॉर आ जाए सब्जेक्ट आपका सेकंड होगा ना, तो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब के एग्रीमेंट करेंगे हम। नीचे वहां पे नेदर नॉर के लिए ऐसे तो नेगेटिव सेंस बन रही है ना। हां हां, तो हम लोग इसको 1-3-2 के लिए ऐसे नहीं करेंगे, वहां पे जो नेदर यू नॉर आए वो तो आप जो आपकी कोऑर्डिनेशन है वो आपने वो कोऑर्डिनेशन तो उस तरह से रहेगी, नाइदर नॉर के साथ तो कोऑर्डिनेशन है ना, वो उसमें नहीं होती। ये कोऑर्डिनेशन हम एंड के साथ जब करते हैं तब होती है, ठीक है। और उसमें आपका जो है ना वो आई के साथ क्या लगेगा, वो शेल लगेगा ना, उसमें क्या आप कहना चाह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि जैसे हम लोग 1-3-2 नेगेटिव के लिए हम लोग प्रोनाउन की सीक्वेंसिंग करते हैं, उसमें क्या था सेंटेंस, सेंटेंस क्या था? Neither you nor I और आगे उन्होंने will और आगे नहीं, नेगेटिव से मुराद ये नहीं है कि सेंटेंस नेगेटिव में है, मॉरली एथिकली नेगेटिव जो ना आइडिया हो या कॉन्सेप्ट हो तो उसमें हम यूज करते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव वो नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है, एथिकली नेगेटिव चीज हो तो उसके लिए हम जो ना प्रोनाउन की अरेंजमेंट करते हैं, सेंटेंस नेगेटिव के लिए नहीं, ठीक है sir. जी और कोई सवाल भी किसी का? चलो जी, ऑल ऑफ यू लीव बिकॉज द मीटिंग विल कंटिन्यू, यू कैन लीव।